कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के ट्वीट ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। दरअसल पटवारी ने ट्वीट किया कि पुत्र के चक्कर में पांच पुत्री, नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी, मंदद पैदा हो गई, लेकिन अभी तक विकास पैदा नहीं हुआ। मामले पर मुख्य रूप से सिंगरौली भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल की मौजूदगी में भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने सिंगरौली जिले के जयंत चौराहे पर जीतू पटवारी का पुतला फूंका, आक्रोश व्यक्त किया एवं जीतू पटवारी मुर्दाबाद, महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी शक्ति से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, कई तरह से विरोध प्रदर्शन किया। जहां विरोध प्रदर्शन में शामिल भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने बताया कि जीतू का ऐसा बयान महिलाओं के प्रति सोच को दर्शाता है। यदि जीतू ने देश की सभी महिलाओं से माफी नहीं मांगी तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा और उनका विरोध प्रदर्शन जारी होगा। उस पत्नी और पति में संबंध विच्छेद हो जाया करता था। नागरिकता संशोधन अधिनियम हो वह नागरिकता संशोधन अधिनियम जो कि ऐसे शरणार्थी जो देश में आजाद होने के बाद इस देश की नागरिकता नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, उनको भी हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम वैसे शरणार्थियों को नागरिकता देने जा रहे हैं। जनता पार्टी जिला सिंगरौली के महिला मोर्चा के द्वारा जिस तरह से पूर्व मंत्री विधायक जीतू पटवारी जी का जो बयान, आपत्तिजनक टिप्पणी जो उन्होंने किया, उन्होंने कहा है अपने ट्वीट के माध्यम से कि सरकार के द्वारा पांच पुत्रियां पैदा हुई, वह महंगाई हो, जीएसटी के रूप में, नोटबंदी के रूप में, मंदी के रूप में, बेरोजगारी के रूप में, और इन पांच पुत्रियों के बाद भी विकास पैदा नहीं हो पाया, यह किसी भी नारी के लिए बहुत ही असम्मानजनक टिप्पणी किया है। आज इस बयान के विरोध में हमारे महिला मोर्चा के द्वारा इस चौराहे पर जीतू पटवारी जी का पुतला दहन किया जा रहा है, साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के द्वारा यह मांग रखी जा रही है कि जीतू पटवारी जी जिस तरह का आपत्तिजनक जो महिलाओं पर टिप्पणी उन्होंने किया है उसको वापस लें और कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों के चरित्र को देखने का प्रयास करे। आज उस विरोध में हम सब लोग यहां एकत्रित हैं, साथ ही आज भारतीय जनता पार्टी काला दिवस के रूप में आज का दिन यह मना रही है। हम उस काला दिवस को मना करके हम उस कांग्रेस के अत्याचार सन 1975 की बात को याद दिलाना चाहते हैं कि सन 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा जिस तरह से इस देश में आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा की गई थी, उस आपातकाल के समय में हमारे इस लोकतंत्र के सेवकों को जिस तरह से जेल में डाल दिया गया, उनके ऊपर तरह तरह की प्रताड़नाएं दी गई थी, यह चौथा स्तंभ कहा जाने वाला कि जो मीडिया बंधुओं के ऊपर पहली बार इस देश में सेंसरशिप लगाई गई थी कि उस समय के वारदातों को मीडिया प्रकाशित न कर सके, ऐसा हमारे देश के आजाद होने के बाद पहली बार हुआ था। यह कांग्रेस सरकार जो हमेशा हितों की बात करती है, किसानों के हितों की बात करती है, उस समय में यही कांग्रेस सरकार के द्वारा किसानों के ऋण माफी की बात रही हो, किसानों के ऊपर आर्थिक बोझ को डालने की बात रही हो, किसानों के सिंचाई योजना से संबंधित बात रही हो, जिस तरह का वृद्धि किया गया था हमारे किसान भाइयों के द्वारा, उस समय में त्राही त्राही मची थी कि ऐसी सरकार जो कि निकम्मी सरकार और हमेशा से कांग्रेस की जो नीति रही है, इस भ्रष्टाचारी सरकार को हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मात्र 6 वर्षों में इस देश की जनता को राहत पहुंचाया। आज मोदी 2 के 1 वर्ष पूर्ण होने पर जिस तरह के ऐतिहासिक कार्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है, वह धारा 370-35(1) को हटाने का विषय रहा हो, जिस कश्मीर को
इस देश का अभिन्न अंग माना जाता था, वह कश्मीर में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान चला करते थे। आज उससे हम सबों को राहत मिली। वह रामलला का मंदिर, जिसमें कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग या यहाँ के स्थानीय जनता के द्वारा, इस देश की जनता ने हमेशा उसको अपना आराध्य देव माना था, उस राम जन्मभूमि के लिए हमेशा नारा लगा करता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इन कांग्रेसी भाइयों के द्वारा कहा जाता था कि रामलला तुम जाओगे लेकिन मंदिर नहीं बनाओगे। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय करा करके और पुनः भव्य मंदिर का निर्माण करने की योजना प्रारंभ हो चुकी है। धारा तीन तलाक जैसा विषय जो मुस्लिम बहनें ऐसा कभी नहीं सोची होगी कि इस हिंदुस्तान में इस तीन तलाक के नियम को भी समाप्त किया जाएगा। वह मुस्लिम महिला जो कि तीन तलाक पति के द्वारा बोल जाने के बाद वह संबंध विच्छेद हो जाया करते थे, उस पर भी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चिंता किया और उस तीन तलाक के नियम को समाप्त किया। नागरिकता संशोधन अधिनियम जो कि ऐसे शरणार्थी जो कि हमारे देश के आज़ाद होने के बाद हमारे इस देश में रहे आ रहे थे, आज उनको हम सब लोग नागरिकता देने जा रहे हैं। मैं आप समों से यह बताना चाहता हूं कि यह कांग्रेस की सरकार जिस तरह से भ्रष्टाचार इन्होंने किया है अपने पिछले समय में, आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह 6 साल में इस देश का भ्रष्टाचार को समाप्त करने का बीड़ा उठाया गया है, जो कि आप सबों को देखने को मिल रहा है। धन्यवाद। सिंगरौली से अनिल दुबे की रिपोर्ट।